हेलो लवली व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने कौन सी दो चीज़ें ऑनलाइन परचेज की है गार्डनिंग के लिए, और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही यूज़फुल है, और इन्हें हम कैसे यूज़ करें ये भी इस वीडियो में मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये है सीडलिंग ट्रे, और इसमें और भी साइज अवेलेबल होते हैं, बड़ा साइज़ भी आता है इसमें। तो ये 5 का सेट है, और इसके साथ है 2 कोकोपीट के ब्रिक्स 500 ग्राम ईच, और ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी यूज़फुल है गार्डनिंग में। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये कोकोपीट की जो ब्रिक है, ये भी हमें कोई भी जैसे सीड से कोई पौधा तैयार करना है या कटिंग से हमें कोई पौधा तैयार करनी है, तो ये सीडलिंग ट्रे और कोकोपीट ब्रिक काफ़ी यूज़फुल है। तो कोकोपीट को अभी हम कैसे तैयार करें फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखाऊंगी। आप सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर प्लास्टिक का ट्रे ले लें, और उसके ऊपर जो एक ब्रिक है 500 ग्राम वाली, उसे पॉलिथीन हटा के आप उसे प्लेस कर लिए सेंटर में। और इसे तैयार करने में फ्रेंड्स हमें कम से कम 3 से 4 लीटर पानी लगेगा, और पानी जो है आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। आप एकदम से पूरा 3-4 लीटर पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी जैसे जैसे आप डालते रहेंगे तो आपको पता चलेगा, दिखने लगेगा कि ब्रिक जो है पानी पूरा सोख लेता है, बहुत ज़्यादा ये एक्सपैंड हो जाएगा, और एक्चुअल साइज से ये 3 से 4 गुना ज़्यादा थिक होने लगेगा, और बहुत ही सॉफ्ट भी हो जाएगा, और विद इन 10 मिनट्स आपका ये जो कोकोपीट है ये रेडी भी हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, अगर हम इसको एक्चुअल प्रोसेस से तैयार करेंगे कोकोपीट को, तो उसे कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। और किस चीज़ से ये कोकोपीट बनता है ये भी मैं आपको बता दूँ, जो नारियल का जो आउटर लेयर होता है, जो फाइबर है, उस चीज़ से हम कोकोपीट तैयार करते हैं, और उस चीज़ को हमें पहले भिगो के रखना पड़ता है काफ़ी समय तक, और भिगो के रखने के बाद वो फाइबर जो है काफ़ी सॉफ्ट होने के बाद हम उसे ग्राइंड करते हैं, और तब जाके ये कोकोपीट तैयार होता है। सॉइल मिक्स में ज़्यादातर कोकोपीट यूज़ करते ही है, क्योंकि प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सॉइल के थ्रू ही मिलते हैं, और कोकोपीट काफ़ी टाइम तक मॉइस्चर को होल्ड करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स काफ़ी हेल्दी रहते हैं, हेल्दी ग्रो करते हैं। तो आप भी इस कोकोपीट को ज़रूर तैयार करें। जैसे आप देख सकते हैं, अभी कोकोपीट बिल्कुल रेडी है। और आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं, और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।